मशहूर अदाकारा आयशा उमर ने अपने बारे बड़े राजों से पर्दा उठा दिया। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए पूरी वीडियो देखेगा। इससे पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें। आयशा उमर ने खसूसी इंटरव्यू देते हुए बताया कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं कि मैं बहुत ज्यादा फिल्मों और ड्रामों में काम नहीं कर सकती। अभी भी एक्सीडेंट के कुछ जख्म बाकी हैं। मुझे एक्सीडेंट से कबल बिल्कुल नहीं मालूम था कि बेचैनी क्या होती है। लोगों से सुनती तो अजीब लगता, खुद पर गुजरी तो बेचैनी का मतलब समझ में आया। एक सवाल के जवाब में टूटी फ्रूटी फेम फिल्म स्टार आयशा उमर ने बताया कि मैंने कुछ फैसले गलत किए हैं। 2-3 फिल्में छोड़ दी थी जिसका मुझे अफसोस है। मेरी एक फिल्म राबर बदकिस्मती से मुकम्मल ना हो सकी। अब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है। फिल्म राबर से मुतालिक बात करते हुए आयशा उमर ने कहा कि मेरा किरदार इस फिल्म में बहुत दिलचस्प है। आयशा उमर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो अदाकारी, गुलुकारी, मॉडलिंग और कंपेयरिंग सब काम करती हैं। वो एक वर्स स्टाइल फनकार है। उन्होंने कहा कि जब बहुत बातें करने को दिल चाहता है तो वो कंपेयरिंग करने लगती हैं और जब मौसीकी के रंग बखेरने को जी चाहता है तो वो गाना शुरू कर देती हैं। अब मेरी सारी तवज्जो फिल्मों और ड्रामों पर होगी। इंटरव्यू के दौरान आयशा उमर से सवाल किया गया कि आपकी तस्वीरों पर बहुत तनकीद की जाती है तो आपका क्या रद्द अमल होता है। इस सवाल के जवाब में आयशा उमर ने मुस्कुराते हुए बताया कि हसद करने वाले मुझसे बेहतर प्यार करते हैं। जेलसी में भी प्यार छुपा होता है। मैं इसको भी इंजॉय करती हूँ।